हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास टेंथ अब पक्का है कि प्रमोट होगा ही होगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि अंक अपलोड करने की तिथि 2 दिन बढ़ाई गई है। ये आज की न्यूज़ है कि अंक जो अपलोड होने थे क्लास टेंथ के छमाही और प्री बोर्ड के, जिसके आधार पर क्लास टेंथ को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, उसकी तिथि जो है वो बढ़ा दी गई 2 दिन, कल लास्ट डेट थी, ये सभी आपको पता भी है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस आधार पर जारी होगा रिजल्ट, ठीक है। तो आधार तो आपका वही होगा, कौन सा, प्री बोर्ड और छमाही, उसी आधार पर जो है क्लास टेंथ प्रमोट होगा, इसलिए डाटा मांगा गया है और उसकी डेट भी 2 दिन बढ़ा दी गई है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी उस वजह से। और इस आधार पर अगर रिजल्ट आपका जारी होता है तो उसमें जो है मेधावी छात्रों का बड़ा नुकसान होगा। इन बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर देखते हैं आज के अपडेट में क्या क्या बताया गया है कि यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल के छमाही प्री बोर्ड के अंक अपलोड करने की तिथि 2 दिन आगे बढ़ाई। कारण क्या है कि स्कूलों में अवकाश होने और अंक अपलोड करने में परेशानी को देखते हुए बोर्ड ने तिथि 20 मई किया। अभी तक 18 मई थी, 18 मई तक जो है हाई स्कूल के छमाही प्री बोर्ड के अंक अपलोड करने थे, आप सभी को मैंने कल के वीडियो में बताया भी था, लेकिन अब उसकी तिथि जो है 2 दिन आगे बढ़ा दी गई है, क्योंकि कुछ विद्यालयों के भी अंक जो है अपलोड नहीं हो पाए हैं कुछ परेशानी की वजह से। चलिए देखते हैं इसमें, यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल के छमाही एवं प्री बोर्ड के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि 20 मई तक आगे बढ़ा दिया है। बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अंक अपलोड करने की तिथि अब 18 मई के स्थान पर 20 मई कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के दौर में प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 20 मई तक अवकाश होने के चलते आनंद फानंद में स्कूलों को अंक अपलोड करने की परेशानी को देखते हुए बोर्ड की ओर से तिथि 2 दिन आगे बढ़ाई गई है। बोर्ड की ओर से अब छमाही प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर हाईस्कूल के 29 लाख छात्रों के रिजल्ट जारी करने की तैयारी तेज हो गई है। कहने का मतलब क्लास टेंथ के जो बच्चे हैं वो प्रमोट होंगे तो किस आधार पर होंगे, छमाही वाले नंबर और प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर जो है प्रमोट होंगे। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं क्या बताया गया है। आगे बताया गया है कि छमाही प्री बोर्ड के अंक के आधार पर हाईस्कूल का रिजल्ट जारी करने की तैयारी अब तेज हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, स्कूलों से हाईस्कूल के छात्रों के छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा के अंक मांगे जाने के बाद अब लग रहा है कि यूपी बोर्ड भी सीबीएसई की तरह अपने छात्रों का परीक्षा फल आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी करने की तैयारी में है, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि जो है क्लास टेंथ वाले पक्का प्रमोट हो जाएंगे, यही लग रहा है यहाँ पर, और कोई भी अब बात नहीं लग रही है। सीबीएसई की ओर से 10वीं के छात्रों का परिणाम आंतरिक मूल्यांकन एवं अर्धवार्षिक परीक्षा एवं प्री बोर्ड के आधार पर जारी किया जा रहा है। इन दिनों 10वीं के छात्रों के रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक इसी तर्ज पर अब यूपी बोर्ड भी अपने छात्रों का रिजल्ट जारी करेगा। तो ये बात हो गई कि क्लास टेंथ वालों का जो रिजल्ट होगा वो किन अंकों पर आधारित होगा। लेकिन जो इस तरीके से अगर रिजल्ट जारी किया जाता है तो क्या जो मेधावी छात्र हैं उनका नुकसान नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया कि बोर्ड सचिव की ओर से स्कूलों में छमाही प्री बोर्ड के अंक मांगे जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि 2021 में यूपी बोर्ड हाईस्कूल की परीक्षा नहीं करवाएगा। देखिए, क्लियर हो गया कि हाईस्कूल की परीक्षा के लिए नहीं होगी, ठीक है। हाईस्कूल वालों को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, प्री बोर्ड के अंक और छमाही के अंक के आधार पर। बोर्ड के इस फार्मूले से मेधावी छात्रों का नुकसान हो सकता है। इस फार्मूले के लागू होने के बाद औसत दर्जे के छात्र लाभ में रहेंगे। जिला स्तर के अधिकारियों की माने तो वर्ष 2020-21 में कोरोना के चलते स्कूलों में कक्षाएं नहीं चली हैं, ऐसे में अधिकांश स्कूलों में छमाही एवं प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हो पाई। ऐसे में स्कूल वाले अब बोर्ड की ओर से परीक्षा के अंक मांगे जाने पर मनमाने तरीके से उसे वेबसाइट पर अपलोड कर बोर्ड को भेज देंगे, ऐसे में मेधावी छात्रों का नुकसान होगा। आप सभी को पता है कि कुछ विद्यालयों में प्री बोर्ड पेपर भी नहीं हुआ था, ठीक है। अब बोर्ड की ओर से जो है अंक मांगे गए हैं तो कुछ विद्यालय क्या करेंगे, अपनी तरफ से नंबरों को दे देंगे और उसमें जो मेधावी छात्र होंगे उनका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए अब आगे क्या होता है, आगे की न्यूज़ में आप लोगों को आगे अपडेट करता रहूँगा। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आप सभी को हमारे इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।